और हम लोग आज यहाँ प्रदेश कार्यालय में बैठने जा रहे हैं। मतलब लाल किले की कहानी मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने लिख दी, मतलब आगामी जो केंद्र का चुनाव आ रहा है उसकी कहानी मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने शुरुआत की। नहीं मालूम, मैं तो मानता हूँ आप मेरे मित्र हो, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी हो। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐसा आकलन करके क्यों चल रहे हैं? आज 2019 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है, तो ये क्या सेमीफाइनल नहीं है? कोई फाइनल, कोई सेमीफाइनल जैसा नहीं है। अभी तक के हुए 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत मिली है, हर राज्य में चुनाव के बाद यही कहा गया है, उसके पहले यही कहा गया है, एक के बाद एक हमारी जीत होती चली गई। इस बार फिर मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर मान लीजिए आप काल्पनिक कहते हैं सवाल, अगर कांग्रेस की सरकार जैन प्रकाश नगर बन जाती है, तो आपकी नजर में सबसे योग्य कौन है? मेरी नजर में सबसे योग्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बनी फिर भी कांग्रेस की बनी। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। अच्छा सर, ये सीटों के गिरावट का आकलन किस तरीके से करेंगे? कोई गिरावट नहीं है, कोई सीटों की गिरावट नहीं है, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। सर आपकी टीम की बात आ रही है कि रिजल्ट के बाद नई टीम का भी गठन हो जाएगा? अब तो एक बार ये रिजल्ट आने दीजिए, टीम तो पार्टी का आंतरिक मामला है और उसके बारे में जो निर्णय करना होगा बाद में कर लेंगे। चलो भैया, धन्यवाद।